मशीन की जानकारी हमें यूट्यूब से मिली, राजा इंटरप्राइजेस इस कंपनी का नाम भाई के यहाँ, जिन्होंने राजा इंटरप्राइजेस का यहाँ पे पावर टिलर लिया हुआ था, तो हमने इनको देखा कि ये गन्ने की खेत की जुताई कर। सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और विश्वास के बदौलत हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे उन्नतशील किसान भाई के यहाँ, जिन्होंने इस पावर टिलर को पिछले 3 से 4 महीना पहले खरीदा हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस पावर टिलर को कहाँ से, कितने में और किस उम्मीद से खरीदा हुआ था, और अभी तक ये पावर टिलर इनके कितने उम्मीदों पे खरा उतरा है। इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे आज के इन किसान से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो सामने से किसान भाई आपको और हमको देख रहे हैं, उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय बताएं। मैं किसान ब्रजेश कुमार मौर्य आजमगढ़ यूपी से हूँ। तो सर, आप मुझे ये पहले बताएं कि इस पावर टिलर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली और इसे आप कितने में यहाँ तक खरीद कर ले आए हैं? हमको जानकारी हम यूट्यूब से देखे, यूट्यूब देखने के बाद हम जगह जगह, जैसे हमारे क्षेत्र में कई से आया था, अच्छा, वहाँ हम गए, किसानों से मिले, उसको चला कर देखे, देख के पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए, तब इसको हम ऑनलाइन बुक किए। फिर ये भी सोच रहे थे बुक करते हुए, हम बुक कर दे रहे हैं तो हमारा पैसा बुड़ जाएगा कि जाए आएगा कि नहीं आएगा। किसान लोग हमसे संतुष्टि दे रहे थे, बधाई कहते थे नहीं होगा, ऐसा होगा, लेकिन हमको यकीन नहीं हो रहा था। मतलब आपको अपने आप को तसल्ली नहीं होती थी कि हमारा पैसा वापस आएगा। हम जानते थे कि हमारा पैसा 5,000 रुपया गया। जैसे आप मान लीजिए इसको खरीदे, खरीदने के लिए मतलब कैसे आप कंपनी के कांटेक्ट में आए? हमारे पास कंपनी का कांटेक्ट नंबर यूट्यूब से निकाले थे। अच्छा, वहाँ से फिर फोन किए? यूट्यूब से राजा का, डायरेक्ट राजा का हमने नंबर लिया। अच्छा अच्छा, राजा भाई का नंबर लिया, उनसे कांटेक्ट फोन किया। एक बार ना हम ये ट्रैक्टर लेने के लिए कम से कम अक्टूबर माह से कंपनी में कई बार फोन कर चुके, करते थे, अच्छा, फिर बिचल जाते थे। अच्छा, करते थे फिर बिचल जाते, मतलब कहीं ना कहीं मन हिचकता था कि लें कि ना लें। लेते करते करते फिर दिसंबर में हमने जाकर इसको बुक किया। बुक करने के लिए आपने कितना प्राइस कंपनी को दिया हुआ था? पहले हमने बुक किया तो 5,000 रुपया देना पड़ा। 12-13 जनवरी को ट्रांसपोर्ट पे आ गया, तो हम यहाँ पैसा डाले, ट्रांसपोर्ट वाले से बात किए, अच्छा, तब पैसा डाले। फिर उसके बाद हमने पुनः अपनी गाड़ी लेकर, 4-व्हीलर लेकर आजमगढ़ गया। हाँ। उन्होंने कहा हम घर तक पहुंचा, हमने कहा रहने दीजिए, आप घर तक पहुंचा, हमारी सामान हम लेकर अपने लेकर जाएंगे। हमने अच्छा, जब आप वहां से लेकर आए तो आस पड़ोस का क्या माहौल था, मतलब कैसा माहौल था उनका इसके प्रति देखने का नजरिया? नहीं, देखने और आप खुद जब इसको यूज करना पहले शुरू किए तो कैसा लग रहा था? हम देखिए, हम यूज करने के लिए तो पहले जब लाए तभी हम संतुष्ट होकर लाए, कहे हम कई किसान को यहाँ देखे थे। अच्छा, लेकिन जब लोग बटुए चली किनाए हम कहें ठीक, अभी सेट कर रहे हैं। एक दिन हमने यूट्यूब से देख वहाँ से हेल्पलाइन से मंगा कर सब सेट किया। मतलब सामाजिक जो माहौल था वो कहीं ना कहीं ये था कि ये तो फंस गए। हाँ, अच्छा, फंस गए, हड़का रहे थे बहुत लोग, लेकिन हम उसके हड़के नहीं। आप अपने जो है अपने जीवन में बहुत हम रिस्क ले चुके थे, इसको भी रिस्क 55-56 हज़ार रुपये हम जाएगा रहेगा। तो अभी आप जो है 1 घंटे में इससे कितना खेत जोता है? 1 घंटे में हम लमसम 10-20 जोत सकते हैं। अच्छा, दो बार मतलब दो बार जुताई कर दो बार जैसे कल्टीवेटर दो बार जोता है, हम 1 घंटा में 10-20 खेत दो बार में जोत। लगभग उतने में तेल की खपत कितनी आ जाती होगी? मैक्सिमम खाता है। अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि दिसंबर माह में आपने बुक किया था और डिलीवरी जनवरी माह में हुई। डिलीवरी 14 जनवरी को आई। तो अभी तक मतलब इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज वगैरह, जैसा कि पहले मन में हिचकिचाहट होती थी कि लें कि नहीं आया है, नहीं चलेगा, मेंटेनेंस खर्चा हमारा कुछ नहीं आया है, मतलब जीरो है। हाँ, जीरो है। फॉल्ट कुछ हुआ तो हमने तत्काल कंपनी में कल बात किया, उन्होंने कंपनी को सलाह दिया, हमने अपना सही कर, मतलब वहाँ से तुरंत निवारण भी हो गया। हाँ, हमने राजा भाई फोन किया, हम इंजीनियर से बात करा रहे हैं, इंजीनियर हमारे यहाँ 10 मिनट तुरंत 10 मिनट बाद कॉल कर दिया। और कॉल किया, हम बहुत से मतलब फील्ड में ही बहुत से किसान भाइयों से सुने हैं कि वो तरह तरह की कंपनियों से ये सारे प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, घर आ जाने बाद कंपनी वाले कॉल नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमने राजा के यहाँ फोन किया, फोन उठाया, काम इंजीनियर से बात करवा रहे हैं, तुरंत इंजीनियर के फोन नंबर दिए, हमारे इंजीनियर हमारे यहाँ कॉल किया, इंजीनियर से हमारी बात हुई, इंजीनियर हमको सलाह दिया कि इसे करिए आपका, आज मेरा पावर टिलर कोई दिक्कत नहीं किया। और इससे मान लीजिए कि आप सिर्फ अपना ही खेती करते हैं और लोग किराए पे भी काम करते हैं? सब काम करते हैं, जो हमको बुला दिया हम सबका करते हैं, पैसा कमाते हैं। अच्छा अच्छा, अपने खेत में लेबर की बचत करके मतलब दूसरे से भी पैसा आप कमा लेते हैं? कमा लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अभी तो क्या था कि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती इससे करते हैं, जुताई निराई गुड़ाई करते हैं, और अभी मैं देख पा रहा हूँ इस खेत में भी आपने जुताई कर रखी है। जैसे मान लीजिए हमारा आने वाला समय धान का है, तो धान में क्या ये हल जुताई कर सकती है या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल लेना पड़ेगा या फिर ये मशीन ही फेल है, उसके लिए बड़ा ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा? कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा और जैसे अदर गाड़ी में चैनल लगता है। अच्छा अच्छा, उसमें चैनल सिस्टम हुआ
बनाए हैं, मतलब कंपनी वाले ने बना दिया है। अच्छा अच्छा, तो उसको आपने अभी कभी किसी किसान भाई के यहाँ देखा है चलते उलते कि मतलब? हाँ, देखे हैं। तो अभी आपका क्या माहौल है बरसात के सीजन से? बरसात के सीजन में देखिए लेंगे हम, पहली बात अपने दिमाग लगाएंगे। राजा भैया मतीन लगाने के बाद तो दिमाग लगा के इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दी। कंपनी खड़ा की, हम इससे अगर नहीं सफल होते तो उसको मुंह हार मान के ले आएंगे, क्योंकि आप किराए पे भी गाड़ी चलाते हैं तो आप तो एक दो दिन में ही उसका सारा पैसा निकाल ही लेंगे। हम मैक्सिमम 4-6 दिन लगेगा, 4-6 दिन में आप पैसा निकालेंगे। 6,000 का आता है वो। अच्छा अच्छा, 6,500 रुपया उसका प्राइस। यानी आपने रेट वोट सब कुछ क्लियर कर लिया, सिर्फ आपको बुक करना है। बुक करना है। अच्छा अच्छा, देखिए हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है, हम राजा भाई के पावर टिलर का यहाँ पर प्रमोशन नहीं करने आए हैं, ना तो किसी कंपनी के और पावर टिलर की हम बुराइयां करते हैं। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे बहुत से किसान भाई इस पावर टिलर को लेना चाहते हैं, क्योंकि खेत में चलाते हुए कोई भी देखता है तो उसे ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार आता है, जैसे आप ही बता रहे थे कि हमने अक्टूबर महीने से जो है इसे लेने के लिए सोच रहे थे, बार बार सोच रहे थे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट होती है। तो आप जो सामने से किसान भाई देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए, लेना चाहिए या अपने पैसों को बचा के ही रखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं, देखिए अगर उनको आवश्यकता है, जैसे ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, कोई भी ट्रैक्टर छोटा बड़ा ले ले। अच्छा है, क्योंकि ये छोटो किसान के लिए बहुत लाभप्रिय है, मतलब ये छोटे किसान के लिए पूरा वरदान है। हाँ। इसमें अगर जो जैसे कोड़ार कर रहे हैं और छोटी किसी कमर्शियल खेती कर रहे हैं, कमर्शियल खेती वालों के लिए यानी कि 101% मतलब ये सही है। सही, तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपका सेल्फ स्टार्टेड है, तो क्या ये सेल्फ स्टार्ट जो है मतलब बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम करता है? फर्स्ट क्लास नंबर। यहाँ पे मैनुअल वाला भी होगा तो मैनुअल वाला मतलब सही से वर्क करता है? मैनुअल देखिए यूज नहीं करते, एक आध दो बार किए जब तक हमारे पास बैटरी नहीं थी। अच्छा, जब तक बैटरी नहीं थी तब तक आप उसे यूज किए? मैनुअल से एकदम स्टार्ट हो जाता था। अच्छा, ठीक है। ये कितने HP का इसमें इंजन लगा हुआ? 8.5 HP का लगा है। इसमें कितने लीटर का मतलब टंकी है ऑयल? 3 लीटर की। और यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिया गया है, इसमें लाइट थी। अभी आप इसमें टूल बॉक्स में क्या क्या रखते हैं? मोबाइल रखते हैं, गिलास रखते हैं, ये सब अपना रखते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि वो खैनी वगैरह खाते हैं तो उसमें भी लेके चलते हैं, तो आप अभी कभी ऐसा रखते हो? कभी कुछ खाते नहीं, तो हम नशा निषेध हैं। अच्छा अच्छा, तो आप अपने मतलब और खाने की जरूरत या फिर इससे संबंधित कोई रख लेते हैं? मोबाइल रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इस मतलब पावर टिलर को पूर्ण रूप से लेने के संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप, जब से लिए हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। अभी तक है, मान लीजिए हमारे खेत में दूसरी गाड़ी नहीं हली, न हमारे हली, न हमारे अगल बगल हमारे चाचा हैं, मतलब उनके खेत की भी जुताई आप ही कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे कि आप बता रहे थे कि आप इस गाड़ी को या इस मशीन को या पावर टिलर को आप किराए पे चलाते हैं, लगभग बता सकते हैं कि आप कितने की कमाई कर चुके होंगे? मैक्सिमम 10-15 हज़ार तो हम कमा ही चुके हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर प्रतिदिन आपको सिर्फ किराए पे ही चलानी हो, जैसे 8 घंटे कहीं पे कंपनी में जॉब करते हैं, अगर उसे 8 घंटा इस मशीन को चलाया जाए तो लगभग दिन का कितना कमा सकते हैं? 1500 रुपया बचा सकते हैं। 1500 रुपया बचा सकते हैं, हर खर्चा काटने के बाद हम 1500 रुपया आराम से बचा सकते हैं। अगर 8 घंटा हम ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटा चला दें तो 1500 रुपया हम बचा सकते हैं हर चीज काटने के बाद, मतलब बचत उतना बचत। घर लेके जाना। जैसा कि किसान भाई आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्नतशील किसान भाई ब्रजेश मौर्य, इन्होंने यस राजा कंपनी का इस पावर टिलर को लिया। लेने के पहले इनके मन में काफी सारे व्यथाएं उठ रहे थे कि लें कि ना लें, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। फाइनली इस पावर टिलर को इन्होंने ले लिया और लेने के 3-4 महीना हो गया, और इस पावर टिलर को लेने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। तो क्या सर आप मुझे बता सकते हैं कि राजा भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप फ़ोन किए थे उनका नंबर आपके पास होगा? हमारे पास नंबर है, तो आप वो मुझे नंबर दे दीजिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई उस पावर टिलर को देख रहे हैं, हो सकता है उसे कांटेक्ट करना चाहिए। कर्मचारी है, इंजीनियर, उनका भी नंबर मेरे पास है। अच्छा अच्छा, तो वो सारे नंबर आप मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने स्क्रीन पर लगा दूंगा, ताकि जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो भी अधिक जानकारी के लिए, जैसे हम आपसे बात किए, इसके अलावा भी बहुत सारे किसान भाई होंगे जो इसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये हैंडल स्ट्रेचेबल है, इसका मोटर गार्ड कैसा है, ये कैसा है, हेडलाइट कैसा है, बहुत सी जानकारी और भी लेना चाहते हैं, तो वो कंपनी में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, तो आप मुझे वो नंबर दे दीजिएगा। किसान भाई उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।